इंडिया में गेमिंग को बच्चों की चीज की तरह देखा जाता है, पर अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो गेमिंग के दीवाने हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा। आज की वीडियो में हम ऐसे इंडियन सेलिब्रिटीज की बात करेंगे जो वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, और ये भी बताएंगे कि उनके फेवरेट वीडियो गेम्स कौन से हैं। अब गेमिंग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पबजी या फिर सीओडी या फिर फ्री फायर के यूट्यूबर्स के साथ कोलैब किया है, तो हमें नहीं पता कि वो सच में गेम्स खेलना पसंद करते हैं या फिर वो सिर्फ एड कैंपेन के लिए था। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ उन सेलिब्रिटीज की बात की जाएगी जिनके बारे में हमें फर्म्ड पता है कि वो शौकिया तौर पे वीडियो गेम्स खेलते हैं। और स्वागत है आपका गेम्स घोसे पे, जहां सभी इंडियन गेमर्स के लिए बेस्ट गेमिंग कंटेंट मिलता है। मैं हूं लेजी असैसिन, और अब बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोमन ईरानी अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, पर जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते तब उन्हें बहुत से गेम्स खेलना पसंद है। वो बहुत बार एसआरके के साथ फीफा भी खेलते हैं। उसके अलावा वो वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने अपना PS5 शो ऑफ किया था, जिसे उन्होंने गेम्स द शॉप से खरीदा था। इसके साथ वो कंप्यूटर कंपनी HP के साथ भी काफी टाइम से एसोसिएटेड है, जिनका एड कैंपेन चलता है इंडिया में गेमिंग को लेकर स्टीरियोटाइप्स कम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वरुण धवन की, जो कि अपने को पैशनेट गेमर बताते हैं। वो काफी ज्यादा गीकी हैं और बचपन से गेमिंग का शौक रखते आए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सुपर मारियो उनका पहला वीडियो गेम था जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद था, एंड उसे वो अपने पुराने 8-bit कंसोल्स पे खेला करते थे। उनके ब्रदर रोहित धवन, जो खुद गेमिंग पसंद करते हैं, उन्होंने वरुण को एक सेगा कंसोल भी गिफ्ट किया था गेम्स खेलने के लिए। बात करें उनके ऑल टाइम फेवरेट वीडियो गेम्स की, तो वो बताते कि उन्हें GTA और FIFA बहुत ज्यादा पसंद है। बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स MS धोनी की, जो सिर्फ क्रिकेट की महारत ही नहीं है बल्कि उन्हें ऑनलाइन गेम्स खेलना भी काफी पसंद है। उनकी वाइफ साक्षी धोनी ने एक बार रिवील किया था कि वो पबजी मोबाइल के फैन है। खैर, अब तो पबजी नहीं रहा तो शायद वो BGMI खेलते होंगे। उनको पबजी मोबाइल का इंट्रोडक्शन केदार जाधव ने दिया था, जिसके बाद हमें कई ऐसी पिक्चर्स देखने को मिली जहां वो अपने टीममेट्स के साथ पबजी खेल रहे हैं। देखने से लगता है कि शायद वो आईपैड का यूज करते हैं मोबाइल गेमिंग के लिए। बाकी उनके पास कंसोल भी है जिसपे वो फीफा खेलना पसंद करते हैं। इनके अलावा उन्हें मोबाइल पर COD मोबाइल खेलना बहुत पसंद है। वैसे गाइस, अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, एंड बने रहो वीडियो में, क्योंकि अभी तो SRK, टाइगर एंड काफी सेलेब्स के फेवरेट गेम्स बताने हैं आपको। विकी कौशल आजकल खूब ज्यादा ट्रेंड में है उनके कटरीना के साथ वेडिंग की वजह से। अब वो एक बेहतरीन एक्टर के साथ साथ पैशनेट गेमर भी हैं। 2019 में उन्होंने मॉडल के साथ कोलैब किया था ओली द सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमोशन के लिए। उस टाइम तो वो वैसे पबजी मोबाइल खेल रहे थे, पर बातों बातों में उन्होंने रिवील किया कि उन्हें गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद है। वो जनरली अपने फोन में गेम्स रखते नहीं, वो इजिली एडिक्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो अक्सर कॉलेज बंक करके गेम्स खेला करते थे दिन भर, और उनका वन ऑफ द फेवरेट गेम काउंटर स्ट्राइक 1.6 था, जिसे उन्होंने अपने BTech के दौरान खेला था। अभिषेक बच्चन, जो कि अपनी सक्सेसफुल मूवीज द बिग बुल, बॉब बिस्वास और गुडू के लिए जाने जाते हैं, वो भी गेमिंग के दीवाने हैं। एंड ये बात कोई और नहीं बल्कि उनके फादर द अमिताभ बच्चन ने खुद बताई थी। बेसिकली उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया था कि अभिषेक और SRK हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान वैनिटी वैन PS4 पे गेम खेल रहे थे, और वो खुद स्पोर्ट्स के दीवाने हैं, इसलिए वो भी फीफा खेलने लग गए। वहीं से पता चला कि अभिषेक बच्चन भी गेम्स खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें अभिषेक कहते हैं कि वो बिग बी को फीफा सिखा रहे हैं। टाइगर श्रॉफ, जो कि अपने एक्शन रोल्स के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार उन्होंने बताया था कि उनके एक्शन स्टंट्स मॉडल कॉम्बैट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। आपको मॉडल कॉम्बैट के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता दूं कि एक काफी बड़ी मीडिया फ्रेंचाइज है जिसकी बहुत सारी गेम्स तो क्या बल्कि मूवीज भी आ चुकी हैं। इसकी गेम्स एक्शन फाइटिंग गेम्स होती है जिनका फोकस ग्राफिक वायलेंस पे ज्यादा होता है, तो टाइगर की एक्शन कोरियोग्राफी उसी से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा उन्हें कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स खेलना भी काफी ज्यादा पसंद है। बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान, तो आपको शायद ना पता हो पर वो भी गेमिंग के शौकीन है। इवन उनके बंगलो मन्नत का एक फ्लोर सिर्फ गेमिंग के लिए डेडिकेटेड है, जिससे आप उनका क्रेज फॉर वीडियो गेम समझ ही पा रहे होंगे। एंड साथ साथ वो टेक सेवी भी हैं। उनका शायद फेवरेट वीडियो गेम है फीफा, जो कि उनके बहुत सारे ट्वीट्स के जरिए पता लग जाता है। आपको उनके काफी ट्वीट्स मिल जाएंगे जहां वो फीफा खेलने की बात कर रहे हैं दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ, लाइक फरहान अख्तर। और सिर्फ फीफा ही नहीं बल्कि उन्हें क्लासिक आर्केड गेम्स खेलना पसंद है। एक बार उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वो अर्कम ओरिजिन्स खेल रहे हैं, जो अगर आपको ना पता हो तो बैटमैन का गेम है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि बैटमैन की अर्कम सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो गेम्स में से एक है। उसके टक्कर में बस सोनी की स्पाइडरमैन ही है और कोई नहीं है। SRK की बात करें तो वो पूरी पूरी रात भी गेम्स खेलना पसंद करते हैं, ऑब्वियसली जब उनके पास कोई और काम ना हो एंड वो बिजी ना हो। इसके अलावा उनके ट्वीट से पता लगता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी एंड इन्फेमस जैसी गेम्स भी उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो यही थे गाइज वो 7 इंडियन सेलिब्रिटीज जिन्हें वीडियो गेम्स खेलना काफी पसंद है। वैसे आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि सबको ज्यादातर फीफा खेलना पसंद है, लेकिन खैर ये भी है कि हमने उन गेम्स की बात करी है जो उन्होंने किसी इंटरव्यू या फिर सोशल मीडिया में बताए हैं। मे बी वो रियल लाइफ में कोई और भी गेम्स खेलते होंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि सब कुछ पब्लिकली बताया जाए। वैसे अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गेम्स गॉसिप पे सभी इंडियन गेमर्स के लिए आता रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड क्वालिटी कंटेंट। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।